स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस. वी आर हेयर टू स्टडी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अंडर द डायरेक्शन लैंग्वेज स्टडी फ्रॉम द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंपोज बाय फ्रेडरिक ऑगडेन नेस. फ्रेडरिक ऑगडेन नेस के द्वारा कंपोज की गई पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय. इनको टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कहा जाता है. तो आइए स्टडी करते हैं. नंबर वन, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ रहती थी? ए, इन ए रेड हाउस, लाल घर में. बी, इन ए व्हाइट हाउस, सफेद घर में. इन ए स्मॉल हट, छोटी सी कुटिया में या झोपड़ी में. इन अ मड हाउस, मिट्टी के बने हुए घर में. तो स्टूडेंट्स, हमने पोएम को स्टडी किया है तो हमें जानकारी है कि बेलिंडा एक सफेद घर में रहती थी. इसका बी ऑप्शन सही है. नंबर टू, हु लिव्ड विद बेलिंडा? बेलिंडा के साथ कौन कौन रहते थे, कौन रहता था? ए, हर फादर, उसका पिता रहता था. हर मदर, उसकी माता रहती थी. हर पेट्स, उसके पालतू जानवर पशु. डी, हर आंट, उसकी आंट रहती थी. तो इसमें जो सही ऑप्शन है, मोस्ट सुटेबल चॉइस है, वह सी है. उसके घर में, बेलिंडा के साथ, बेलिंडा के घर में उसके पालतू जानवर रहते थे जिनकी संख्या चार थी. इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, ये चार जानवर उसके साथ, बेलिंडा के साथ, बेलिंडा के घर में रहते थे. नंबर थ्री, द कलर ऑफ देयर वैगन वॉच? उनकी गाड़ी का रंग था कैसा था? ए, रेड, लाल. बी, व्हाइट, सफेद. सी, ग्रीन, हरा. डी, येलो, पीले रंग का. तो बेलिंडा के घर में जो गाड़ी थी उसका रंग रेड था. सही ऑप्शन ये है. नंबर फोर, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज? बिल्ली के छोटे काले बच्चे का नाम था. ए, इंक. बी, ब्लिंक. सी, मस्टर्ड. डी, कस्टर्ड. अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस हम तभी करेक्ट टिक कर सकते हैं, तभी हम इनको चूज कर सकते हैं जब हमें लेसन की जानकारी होगी. तो इंक नाम बिल्ली के छोटे बच्चे का नाम था. ब्लिंक चूहे का नाम था. मस्टर्ड कुत्ते का नाम था. कस्टर्ड ड्रैगन का नाम था. तो सही ऑप्शन इसमें ए है. इंक बिल्ली के छोटे काले बच्चे का नाम था. हु वाज ब्लिंक? ब्लिंक कौन था? ए, किटन. अ माउस. बी, माउस. डी, ड्रैगन. सी, ड्रैगन. डी, डॉग. तो इसमें जो ब्लिंक नाम था वह माउस का था. नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बोस्टेड टू बी ब्रेव? इन निम्नांकित में से कौन बहादुर होने का
बहादुर होने की डिंग मारता था। बोस्टेड मीन्स डिंग मारते थे, यानी कि इनमें से ये तीन ये नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन ये डिंग मारता था कि वह बहादुर है? ए इंक, बी ब्लिंक, सी मस्टर्ड, डी ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि तीनों। तो ये तीनों ही बहादुर होने की डिंग मारते थे। इसका डी सही है। नंबर 7, द नेम ऑफ द येलो डॉग वाज, पीले रंग के कुत्ते का नाम था। ए कस्टर्ड, बी मस्टर्ड, सी इंक, डी ब्लिंक। तो जो येलो रंग के, येलो कलर के कुत्ते का नाम था वो मस्टर्ड था। नंबर 8, द नेम ऑफ द ड्रैगन वॉज, ड्रैगन का नाम था। ए इंक, बी ब्लिंक, सी कस्टर्ड, डी मस्टर्ड। तो ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था। नंबर 9, हाउ मैनी वेपन्स डिड दी पायरेट हैव, हाउ मैनी वेपन्स, कितने हथियार। डिड दी पायरेट, पायरेट कहते हैं समुद्री डाकू या लुटेरा, समुद्री लुटेरे के पास कितने हथियार थे? A 1, B 2, C 3, D 4। तो जो समुद्री डाकू था उसके पास तीन हथियार थे, एक बाएं हाथ में पिस्टल थी, एक दाएं हाथ में, और उसके मुंह में चमकीली लंबी तलवार दबी हुई थी या दांतों से पकड़े हुए था। नंबर 10, व्हाट डिड द अदर एनिमल मेक फन ऑफ द ड्रैगन, अन्य जानवर ड्रैगन का क्या मजाक बनाते थे, किस चीज के लिए मजाक बनाते थे उसका? ए फॉर हिज कावर्डिस, उसकी कायरता के लिए या कायरता का मजाक बनाते थे। फॉर हिज स्मॉल साइज, उसके छोटे आकार का। सी फॉर हिज बिग माउथ, उसके बड़े मुंह का। डी ऑल ऑफ दी एबव, ये सब। तो जानवर जो थे उसके, ड्रैगन का, उसकी कायरता का मजाक बनाते थे। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह ए है। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अपने सिलेबस की स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।